कभी बीजेपी सरकार में मंत्री रहे राजभर ने बबुआ का हाथ क्या थामा, राजभर को जय श्री राम और वंदे मातरम से भी चिढ़ मचने लगी। वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर के साथ हुई अभद्रता के मामले में राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी मुझे मरवाना चाहते हैं। बता दें कि कल अपने बेटे का नामांकन करवाने ओम प्रकाश राजभर वाराणसी गए थे, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद वकीलों ने राजभर का जमकर विरोध किया, नारेबाजी की और जय श्री राम के नारे भी लगाए। शिवपुर की गठबंधन सीट से उम्मीदवार हैं ओपी राजभर के सुपुत्र अरविंद राजभर। ओपी राजभर ने यहां तक आरोप लगाया कि वकीलों ने बैरिकेटिंग पर चढ़कर उनका गिरेबान तक पकड़ने की कोशिश की। राजभर के लगाए आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, ओम प्रकाश राजभर लगातार विवादित बातें कहकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं, इसलिए उनका विरोध हुआ, लेकिन अधिवक्ता समाज को काले कोट वाला गुंडा कहना निंदनीय है, सुभाषपा और सपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ओम प्रकाश राजभर जब लगातार विवादित बयान देने का काम करते हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ इस प्रकार के प्रदर्शन होंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से वकीलों को काले कोट वाला गुंडा कहने का काम किया है, हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। वकील समाज का प्रबुद्ध नागरिक होता है, समाज का अगुवा होता है और समाज के तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। ऐसे प्रबुद्ध नागरिकों को, वकीलों को गुंडा कहा जाने वाला इस बयान ओम प्रकाश राजभर को और उनके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़।